फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अपने वीडियो में अम्ब्रेला लॉन्ग गाउन की कटिंग बताने वाली हूँ। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर करें, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के बटन को भी दबाएँ ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये सिंपल अम्ब्रेला गाउन है और इसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है और साथ ही नाप भी लिख रखा है। ये जो फैब्रिक है ये 3 मीटर है और ये जो है 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस है, साथ में अस्तर। अगर आपको ज़रूरत है अस्तर की तो आप अस्तर लगाएं, यानी कि ये जो अम्ब्रेला गाउन हमें बनानी है इसके लिए हमें फैब्रिक चाहिए लगभग 4 मीटर। इसमें आप किसी भी नाप का बना सकते हैं। तो इस गाउन की जो लंबाई है वो 54 इंच और ऊपर से जो चोली होती है उसकी लंबाई है 15 इंच। तो इस चौपन में हम 3 इंच ऐड कर देंगे सिलाई के लिए, कमर के लिए, नीचे उलट के लिए और ऊपर मार्जिन 3 इंच ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 57 इंच। और उसमें से चोली की लंबाई हम कम कर देंगे, लेकिन चोली में भी सिलाई मार्जिन रखना होगा। जैसे 15 इंच चोली है तो 16 लेंगे तब वो 15 बनी बनाई मिलेगी। तो इस 57 में से हम ये 16 लेस कर देंगे तो हमारे पास घेर का नाप आ जाएगा जो कि हमें अम्ब्रेला काटना है। तो ये अम्ब्रेला घेर हमें चाहिए 41 इंच वाला। चेस्ट हमारा 40 इंच यानी कि 40 इंच, उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 इंच। और उसमें आप मार्जिन जितना रखना चाहते हो, जैसे मैंने 1.5 इंच रखा है तो 11.5 इंच हो जाएगा। कमर के लिए मैं कटिंग नहीं दूंगी क्योंकि डार्ट आएगी आगे और पीछे, क्योंकि ज़्यादा शेप भी नहीं है इसमें 40 और 38, तो उस हिसाब से पतली सी छोटी डार्ट आएगी। गला है आगे 6.5 और पीछे 7 इंच। तो जब ये 7 इंच गला होता है तो हम अपने शोल्डर में से, जैसे डबल फोल्ड है उसमें से हम 1.5 इंच कम कर लेंगे यानी कि 6 इंच लेंगे। आस्तीन की लंबाई 4 इंच और उसकी जो गोलाई है, मोहरी आप कह सकते हैं, वो है 13.5 इंच। अब देखिए घेर की लंबाई तो हमारे पास आ गई 41 इंच, लेकिन उसकी कमर जो है हमारे गाउन के कमर के हिसाब से लेनी होगी। तो हमारी कमर जो है 38 है तो उसे आप 4 से डिवाइड कर दें और उसके बाद उसमें 1.5 इंच जो है 1.5 उसमें ऐड कर देंगे तो हमारी गोलाई का नाप आ जाएगा जो हम गोल काटेंगे अम्ब्रेला। तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 इंच और ये 11 इंच हम जोड़ देंगे घेर की लंबाई में, यानी 41 हमारी घेर की लंबाई थी उसमें हम ये 11 इंच जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 52 इंच। अब हमारा पन्ना कितना है ये पन्ने पर डिपेंड करता है अम्ब्रेला की कटिंग। जैसे ये हमारा पन्ना है 44 समथिंग। अगर पन्ना कम हो तो हम जो ये लंबाई करते हैं बनाते हैं जैसे 52 इंच, तो आप उससे 2-3 इंच एक्स्ट्रा रखें। जैसे यहाँ पर गोलाई कटेगी, आपको पता है कमर अम्ब्रेला की कैसे निकलती है, इस तरह से गोलाई में निकलती है। तो ये जो लंबाई है ये हमें अपने घेर में ऐड करनी है। 41 इंच था हमारा घेर और हमने कमर का नाप निकाला 38 से 11 इंच निकला, तो वो 41 में 11 इंच जोड़ लेना है। तो अब हमें अपना कपड़ा चाहिए 52 इंच में, लेकिन मैंने आपको कहा पन्ने पे डिपेंड है, आप 52 इंच की गोलाई तो हम लेंगे लेकिन उससे पहले हम 2 इंच इस कपड़े को एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो 54 इंच में मैंने इसको डबल फोल्ड किया है और उसके बाद कोण के आकार में इसको फोल्ड कर लेना है एक बार। और अब इस कॉर्नर से हमें अपनी लंबाई नापनी है। हमने 54 में डबल फोल्ड किया है लेकिन 54 हमें लेना नहीं है, हमें सिर्फ 52 लेना है। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है ताकि जिस साइड कपड़ा कम पड़े वहाँ पर हम इस जो बचा हुआ टुकड़ा है नीचे से जो निकलेगा वो हम जोड़ सकें। तो ये जो गोलाई है ये हमें लेनी है 52-52 पर। तो ये हो जाएगी हमारे अम्ब्रेला की नीचे वाली गोलाई। अब आप देख पा रहे हैं एक तरफ से जो कपड़ा कम पड़ा है
यहाँ पर ये जो निकला हुआ कपड़ा है, जो साइड से निकला है, ये यहाँ पर हमें जोड़ना होगा। ये दो हिस्से हैं, तो पहले तो इन दो हिस्सों को अटैच करना है, जोड़ना है, उसके बाद में इसको यहाँ पर जोड़ लेना है। और उसके बाद में हम वापस इसकी गुलाई देंगे। जैसे मैंने जोड़ लिए हैं दोनों हिस्से साइड में, ये देखिए जोड़ लिए मैंने, सिलाई लगा ली है। अब हम इसको घेर को वापस फोल्ड करेंगे। गुलाई हमने दे रखी है, बस आपको इस कपड़े को वापस से काट लेना है। अब हमें अपनी कमर लेनी है, जो कि 11 इंच, 11 इंच हम काटेंगे तो 38 इंच की कमर हमें मिल जाएगी। अब ले लेते हैं हम चोली, जिसकी लंबाई हमें लेनी है 15 इंच बनी बनाई, यानी कि 16 इंच ले लेंगे। और डबल फोल्ड में इसका कर लिया हमने 11.5 इंच। चालीस इंच यानी कि 10 इंच और 1.5 इंच मार्जिन यानी कि 11.5 इंच हमने इसको फोल्ड कर लिया। शोल्डर लेना है इसका 6 इंच और ये हो जाएगा हमारा आर्म होल 6 इंच। अब क्योंकि दोनों पार्ट साथ में ही कट रहे हैं, ये 10 इंच हो जाएगा 40 इंच के हिसाब से, 1/4। अब यहाँ से हम इसकी गोलाई देंगे 1.5 इंच, क्योंकि दोनों साथ में ही कट रहे हैं पार्ट, तो आगे वाला हिस्सा बाद में हम अलग करके काट लेंगे। अब देखिए दोनों हिस्से अलग अलग कर लेते हैं। और ये गला 2.5 इंच, ऊपर से 2.5 लिया है लेकिन नीचे से हम 2.5 नहीं लेंगे, इसको थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे और ये गोलाई दे देंगे। पीछे के हिस्से में तो डार्ट आप अपनी इच्छा अनुसार लगा सकते हैं, आगे पीछे होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। और डार्ट को हमें बहुत कम चौड़ाई में भरना है, क्योंकि आपको पता है शेप काफ़ी कम है, 40 और 38 मतलब 2 इंच का ही शेप है। अब उसके बाद में जो दूसरा हिस्सा है जिसे हम आगे के लिए काटेंगे, ये हो जाएगा 2.5 इंच और गला जो हमें 6.5 इंच लेना है, यानी कि 7.5 इंच। और ये थोड़ी सी 1/2 इंच आर्म होल को भी काट लेंगे। अब यहाँ पर डार्ट हम 4 इंच की दूरी पर लेंगे और इसे लंबाई में 4.5 इंच तक लगाना है।
अब इन पार्ट को ब्लाउज पीस पर रखकर हम काट लेंगे। अब लेंगे हम इसकी स्लीव जो कि 4 इंच थी। 4 फोल्ड कपड़ा करने के बाद 5 इंच हमें लेना है और यहाँ से हम इस पर 2.5 का निशान लगाएंगे, 2.5 इंच पर एक निशान। अब हमारी जो आगे की गोलाई थी वो थी 13.5 यानी कि 7.25 इंच, तो यहाँ पर ले लेंगे हम 1 इंच ज़्यादा यानी कि 7.25 इंच और 1.5 इंच हमको रखना है सिलाई मार्जिन। और अब दे देंगे हम इसकी गोलाई। और ये 2 हिस्सों को हम काट लेंगे। इसे भी हम ब्लाउज पीस पर रखकर काट लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बेल के बटन पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।